साथियों, आपके ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है, सीबीएसई का भी और स्टेट बोर्ड का भी। अब आप तैयारी कर रहे हैं अपने आगे के सफ़र की कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, विशेषकर जब बात आती है प्रोफेशनल कॉलेज की। देखिए, अभी आप ये सर्टन नहीं है कि JEE कब तक होगी या उसका रिजल्ट कब तक आएगा और कब तक जो हमारे NITs हैं IITs हैं चालू होंगे। तब तक हर बच्चे के दिल में एक दुविधा है, एक प्रश्न है कि तब तक मैं क्या करूं। और ऐसे समय में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, वो लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। कई बार हम तय नहीं कर पाते हैं कि हमारा उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो हम प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन्स के लिए सोच रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में एडमिशन लेते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है, ये आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। आपका पैसा बहुत कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है, और डेफिनेटली थोड़ी सी सावधानी से हम अनावश्यक परेशानी से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है। कोर्स कौन सा तय करना है, इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, इसका लिंक मैं आपसे शेयर करूँगा। चलिए, आपने कोर्स तय किया कर लिया है, लेकिन यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखिए, कोर्स आप जो भी तय करें वो आपका अपना तय किया हो। किसी कॉलेज के काउंसलर या कॉलेज की सलाह आप लें जरूर, लेकिन तय वो करें जो आपको करना है। अब अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी तय करने से पहले अपनी प्राथमिकता ज़रा तय कर लें। आपको किस तरह का कॉलेज चाहिए, आप कितनी फीस पे कर सकते हैं, आपके संसाधन कितने हैं, आप अपने शहर प्रदेश के किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं या कहीं भी हिंदुस्तान भर के किसी भी कॉलेज में जाने की क्षमता रखते हैं, तो ये अपनी प्राथमिकता तय कर लें। उसके हिसाब से फिर एक शॉर्ट लिस्ट करें कि ये कॉलेज मेरी क्षमताओं में आते हैं, मेरी प्राथमिकताओं में आते हैं। अब हमें ये तय करना है कि उनमें से कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेहतर हो सकता है। सबसे पहले तो हमको ये करना है कि हम नेट पे जाकर UGC या AICTI जो है AICTI हमारा ऑल इंडिया टेक्निकल बोर्ड है, उसकी वेबसाइट पे ये देख के तय करें कि जो कॉलेज की हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल, वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, उसका UGC से या AICTI से मान्यता है या नहीं। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो मान्य है, हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम दूसरी चीज़ जो देखेंगे वो संस्थान की ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, MBS कॉलेज हैं, प्रोफेशनल कॉलेज हैं, उनकी बहुत सारे संस्थान रैंकिंग जारी करते हैं। कई सारे संस्थान हैं जो उनकी रैंकिंग जारी करते हैं, तो आप नेट पे आसानी से ढूंढ सकते हैं कि उनकी रैंकिंग क्या है। किसी भी एक संस्था की रैंकिंग पे भरोसा मत कीजिए, कम से कम 2-3 संस्थाओं ने उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को जो रैंकिंग दी है उस रैंकिंग को देखिए। ठीक है, अब आपने रैंकिंग देख लिया कि उसका रैंकिंग ठीक ठाक है, अब हम कोशिश करेंगे कि अब उस कॉलेज की डिटेल्स जाने। देखिए, यहाँ ध्यान रखिए कि आपको यदि संभव हो, इस कोरोना टाइम में भी संभव हो, तो प्रत्यक्ष कैंपस को देखना सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन किसी वजह से आप नहीं जा सकते, आप हर जगह जा भी नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे कि उसकी वेबसाइट देखिए। वेबसाइट को बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से, गंभीरता से देखिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि हमें वेबसाइट की चमक दमक, वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ की स्टार फैसिलिटीज़ और एक्टिविटीज से प्रभावित नहीं होना। हमको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो है उस कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कॉलेज की फैकल्टी कैसी है। हम वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, है ना, और पढ़ाई फैकल्टी से होती है, बिल्डिंग से नहीं, है ना। दूसरा, उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, उसके दूसरे अचीवमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से देखें, नोट डाउन करें और फिर अपना डिसीजन लें। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है, उस कॉलेज के खर्चे, कॉलेज की फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मैथ फीस, ट्रांसपोर्टेशन, कॉशन मनी, सारे जो खर्चे हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से देखें और फिर ये अंदाज़ लगाएं कि ये अपनी क्षमताओं में आते हैं नहीं थे। कॉलेज के कोई हिडन खर्चे तो नहीं हैं, या प्लेसमेंट के नाम पे या दूसरे किसी नाम पे वो कुछ और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चार्जेस तो नहीं करते, इनके बारे में भी पता करना सुनिश्चित कर लें। फिर कॉलेज के काउंसलर या जो भी उनके एग्जीक्यूटिव हैं जिनके फ़ोन आपके पास अक्सर आते रहते हैं, उनसे बात करें। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि आपको उनसे जानकारी हासिल करना है, लेकिन वो टोटली भरोसेमंद नहीं हो सकती,
आपको भरोसा सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे करना है जो लिखित रूप में आपको मिलती हैं। ठीक है, अब आपको क्या नहीं करना है इस पर भी ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़, आप काउंसलिंग में जाते हैं या कॉलेज में एडमिशन भी लेते हैं, तब तक आपको अपने मूल डॉक्यूमेंट्स, आपकी मार्कशीट, आपके दूसरे सर्टिफिकेट मूल जमा नहीं करने हैं। मूल डॉक्यूमेंट्स रखने का कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को कोई हक नहीं है, तो आप किसी भी सूरत में मूल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करें, है ना। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़, आप कोई भी पेमेंट करते हैं, कोई भी फीस देते हैं, कुछ भी पैसा देते हैं, उसकी पक्की रसीद ज़रूर लें। बिना रसीद दिए हुए आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। और तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि यथासंभव जो मीडिएटर्स हैं, पीछे दलाल हैं, जो आपसे वादा करते हैं कि आपको मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन दिला दे, उन पर भरोसा मत कीजिए। देखिए, यदि आप मैनेजमेंट कोटे में भाग लेना चाहते हैं, मैं एडमिशन चाहते हैं, तो आप सीधे जाकर मैनेजमेंट से संपर्क करें, उनकी अपनी व्यवस्था होती है। यहाँ ध्यान रखिए, जितने कम लोग बीच में होंगे उतना ही आपका खर्चा कम होगा और आप उतनी ही परेशानियों से बचेंगे। और लास्टली, जब तक आपको रिटर्न कन्फर्मेशन नहीं मिलती है, आप अपना एडमिशन तय मत मानिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें, आप इनका ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी पसंद का कोर्स और कॉलेज ढूंढ सकेंगे और जो अनावश्यक खर्चे हैं या परेशानी है उनसे बच भी सकेंगे। थैंक यू सो मच।